कारह मरे, दो की रोशनी गई, आंखों की रोशनी चली गई, और फ्लिपकार्ट के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। बेगूसराय में धोखाधड़ी का मामला हुआ है, अब फ्लिपकार्ट के सीईओ और बंधन बैंक के मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सीरीज हारने के बाद कोहली ने टेस्ट की भी कप्तानी छोड़ी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, एक घायल। अब 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, पीएम मोदी ने की है घोषणा। और वहीं डिजिटल फौज तैयार हो चुकी है, राजनीतिक बिसात बिछ गया है। चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव में रैलियों पर 12 जनवरी तक पाबंदी, सोशल प्लेटफॉर्म पर जंग तेज। दलों के 10 लाख योद्धा 300 वार रूम से मोर्चाबंदी करेंगे। मौसम का बदला मिजाज, सर्द पछुआ हवा से कनकनी बढ़ी, 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगा जदयू, भाजपा और जदयू में नहीं बन पाई। और वहीं हमारे सैनिक अब नई वर्दी में होंगे, हमारे सैनिकों की वर्दी को नया बनाया गया है, कोमोप्लाज टेक्निक का उपयोग किया गया है। और वहीं वयस्कों को दोनों डोज देने में देश पिछड़ रहा है। हिमाचल जैसे हिम्मत गुजरात मतलब दिखाए तो जल्द पा सकते हैं लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वयस्कों को दोनों डोज मिला है। और बिहार में नई सुगबुगाहट, 4 जिलों में चाय और 12 में सहजन की खेती बढ़ाएगी किसानों की आय। उद्योग के लिए आम लोगों से जमीन खरीदेगा बियाडा, जदयू ने कहा। सम्राट अशोक के लिए किताब के पेज नंबर 25 पर लिखी है अपमानजनक बातें। वहीं इंटर और मैट्रिक के परीक्षा में भाग लेने वाले सारे परीक्षार्थियों को लेना होगा कोरोना का टीका, तभी वो दे पाएंगे परीक्षा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तो दोस्तों, हम खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो खैर, हम चलते हैं आगे खबरों में। क्या कह रहा है, तो अभी नालंदा से खबर निकल कर आ रही है, जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है, दो की रोशनी, आंखों की रोशनी चली गई है। परिजनों ने कहा कि शराब जहरीली थी, धंधेबाजों ने घर में बनाई और पिलाई है। और वहां के डीएम बोले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण होगा स्पष्ट। नालंदा जिले में शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से 11 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय धंधेबाजों ने जहरीली शराब दी, जिससे रात में तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। और पहले बिगड़ी तबीयत, फिर सुबह होते ही होने लगी मौत, लगातार मौत हुई और एक एक करके 11 लोगों की मौत हो गई। मृतक अर्जुन पंडित की पत्नी मालती देवी ने बताया कि रात में उनके पति लोकल धंधेबाज से शराब पीकर आए थे। देर रात तक उन्हें पेट में जलन और उल्टी होने लगी, जिसके बाद पति को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। विस्म में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक मुन्ना मिश्री की पुत्री ज्योति देवी ने बताया कि उनके पिता हर दिन शराब पीते थे, रात में मोहल्ले में शराब पी थी। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि की गई। धंधेबाजों ने उन्हें जहरीली शराब दी, जिससे उनकी मौत हुई। इस तरह मृतक धर्मेंद्र के चचेरे भाई रविंद्र कुमार ने बताया कि शराब जहरीली थी, जिससे मौत हुई। अन्य मृतकों के परिजनों का भी यही कहना है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि संदिग्ध हालात में कुछ लोगों की मौत हुई है। सूचना के बाद हमने मृतक के घर पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की है। डॉक्टर की टीम मृतकों का पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट होगा कि कैसे मौत हुई है। और वही ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं, अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आपके लिए रास्ता खुल गया है। बेगूसराय के एक युवक ने मोबाइल खरीदा था, मोबाइल के पैसे बंधन बैंक के माध्यम से फ्लिपकार्ट को ट्रांसफर किया था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने मोबाइल नहीं भेजा। लगातार यह कहते कहते रहा कि उसके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो युवक ने केस कर दिया। अब फ्लिपकार्ट के जो सीईओ है उनके खिलाफ और बंधन बैंक के मैनेजर के खिलाफ
गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और वहीं जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हो गया, एक घायल हो गए। और टेहटा ओपी में विजयनगर टोला में छापेमारी करने गई थी उत्पाद विभाग की टीम, जिस पर ग्रामीणों नहीं धंधेबाजों ने हमला कर दिया और एक घायल हो गए। और हम बात करें अगर यूपी चुनाव की, तो रैलियों पर 12 तक पाबंदी लगा दिया गया है, सारे दल सोशल प्लेटफॉर्म से अपना प्रचार करना चाहते हैं। इसके लिए सारे दलों ने तैयारी की है, डिजिटल तैयारी की है। भाजपा 1,00,000 बूथ पर 5-5 मेंबर, कांग्रेस 75 जिलों में वार रूम और सपा 100 IITN को लगाया है इस डिजिटल युद्ध में। भाजपा मंडलों में 10,000 पदाधिकारी तैनात कर चुकी है। सपा उन्नत उपकरणों से लैस डिजिटल फोर्स रूम बनाया है। वहीं कांग्रेस देश के 1,500 चुने हुए प्रोफेशनल संभाल रहे हैं कैंपेन, और बसपा पेशेवर को लगाया है LED से मायावती भाषण करेंगे, और CM योगी गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की शनिवार को जारी पहली सूची में उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में 107 सीटों के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची में 44 पिछड़े वर्ग, 19 अनुसूचित जाति से और 10 महिला उम्मीदवार है। 21 नए चेहरों पर दाव लगाया है, जबकि 63 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही 17 सीटों पर क्षत्रिय, 10 सीटों पर ब्राह्मण, 8 सीटों पर वैश्य, 3 पर पंजाबी, 2 पर त्यागी, 2 पर कास्ट वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं ललन बोल रहे हैं जदयू के, हमने भाजपा को सूची दी, उधर से कोई पहल नहीं की गई है। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी जदयू। 18 को लखनऊ में सीट व उम्मीदवार तय कर दिया जाएगा। अब गूगल फेसबुक के CEO की मिली भगत पर आरोप, ऑनलाइन विज्ञापन बिक्री का मामला। नाराज किसान 31 जनवरी को मनाएंगे वादा खिलाफी दिवस। और वहीं किसानों के आय बढ़ाने के लिए बिहार में नई पहल की गई है, चाय, सहजन, रजनीगंधा, मगही पान और प्याज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और सारण में प्याज की खेती के अनुकूल माना गया है, जबकि किशनगंज में चाय का उत्पादन होगा। और इसी तरह से अलग अलग सब्जियों और फलों के लिए उत्पादन बढ़ाई जाएगी। 22 जनवरी तक बड़ी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि, वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन पर किया जा सकता है। इससे संबंधित विशेष जानकारी सहायक निदेशक उद्यान द्वारा ली जा सकती है। और उद्योग के लिए आम लोगों की जमीन खरीदेगा बियाडा। वहीं CBSE की Term 2 की परीक्षा में कम संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या कम होगी और विकल्प वाले प्रश्नों की संख्या कम होगी। CBSE के Term 2 की परीक्षा में स्कूलों में नए सैंपल पेपर से शुरू होगी परीक्षा की तैयारी। स्कूलों में ऑनलाइन होगी परीक्षा तैयारी शुरू। टीकाकरण के लिए विद्यालय खोलने की मांग। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए 26 जनवरी से पहले टीका लगवाने का आदेश पारित किया गया है। स्कूल एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम समायल अहमद ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय काफी सही है, लेकिन तभी सफल होंगे जब विद्यालय खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगाना है, इसलिए विद्यालय खोला जाए। कोटा में मधेपुरा की छात्रा ने पिता के सामने ही होटल से कूद कर दे दी जान। मेडिकल की कोचिंग कर रही थी, सीखा पिता उसको घर लाने के लिए गए थे। पिता ने बताया कि बैग लेकर नीचे बैठे थे, देखा तो हम दोनों तीसरी मंजिल तक भागे पर वह कूद गई। पति को खाने में जहर देने वाली महिला राजद की जिला अध्यक्ष 3 साल बाद हुई गिरफ्तार। जोगसर पुलिस ने महिला राजद की जिला अध्यक्ष निशु सिंह एवं उर्फ नूतन को गिरफ्तार कर लिया है। महिला जिला अध्यक्ष पर पति ब्रजेश कुमार को खाने में जहर देकर मारने का प्रयास का आरोप है। और वहीं पटना विशेष शाखा के कर्मी के लिए 5,00,000 रुपए गबन किए। समस्तीपुर के सत्यम अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में बने डिप्टी डायरेक्टर। और वहीं अगर चुनाव की बात करें तो बसपा की लिस्ट में सपा रालोद में टेंशन। माया की कास्ट केमिस्ट्री से वेस्ट यूपी की लड़ाई दिलचस्प। भाजपा ने 53 टिकट जारी किए, 207 के फार्मूले को दोहराया। बसपा ने 14 मुस्लिम, 9 ब्राह्मण को टिकट देकर सपा रालोद गठबंधन का समीकरण बिगाड़ दिया है। कोरोना मीटिंग में PM सुरक्षा चूक पर खेद जताया है, मांगी माफी। कांग्रेस समन्वय आधार के पर CM तय करती है, अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। हम अपने कामों को लेकर चुनाव में जाएंगे, 111 दिन में जो हमने काम किया उससे पार्टी की छवि सुधरी है। यह बात चिरंजीत सिंह चन्नी ने
बताया है और कहा है कि कोरोना जो पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है इसके लिए हम खेद जताते हैं। तो दोस्तों यह थी आज के अखबार में छपी महत्वपूर्ण खबर। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।